how many part-time jobs did you have in this whole 4 years? Part-time to the bone, the kid, पैसा पैसा होता है भाई. तो फिर होटल होटल में रेस्टोरेंट में काम किए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत नहीं था, अच्छा ठीक ही था. बर्तन वर्तन सब तो रगड़ रगड़ कर बाबा ये खुद था, मतलब ढेर सारा. और हाँ, वर्क एक्सपीरियंस बहुत कुछ सीखे भी है और ठीक ही था. ओके गुड. सो अंकल आंटी मतलब इनके मम्मी पापा बी प्राउड ऑफ हर. हाँ, they are proud of me. What is your best experience in Taiwan until now? Until now, best experience तो घूमना ही हुआ है. हाँ, तो कोई तो होगा एक दो कुछ भी. Best is best. एक best बोलो, एक bad. तो best ये है मेरा कि यहाँ का यहाँ का जगह हमको घूमने बहुत अच्छा लगता है. लेकिन कौन सा सबसे best जगह घूमा है ये तो सोचने दो. वो था बीच था. नहीं, मतलब कि हमको घूमना यहाँ का जगह का जो मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है वो हमको जाने अच्छा लगता है. मतलब कि स्ट्रेस रिलीफ, रूम में रहो तो हमेशा वो चीज़ हमको नहीं पसंद. मतलब रूम में सड़ते रहो वैसा कुछ, मतलब बाहर जाना अच्छा लगता है. और यहाँ एक चीज़ हमको नहीं पसंद कि एक बार पार्ट टाइम करते थे, मतलब आठ को पार्ट टाइम हो गया मेरा. तो फिर वो पार्ट टाइम में एक बच्चा को हमको छोड़ना था उसके घर, उसके बाद फिर हमको वापस आना था. तो गए थे तो फिर ना एक स्ट्रेंजर था और वो ना मतलब कि वो मेरा पीछा कर रहा था. हम रोड क्रॉस कर रहे थे, बस स्टॉप जाना था, बस स्टॉप वहीं पे था. तो हम रोड क्रॉस किए, उसके बाद फिर मतलब कि वो आदमी मेरे से बात करना चाह रहा है और हमको नहीं बात करना है भाई उससे. मतलब कि वो ठीक नहीं लगा हमको. तो फिर हम क्या किए कि हम एकदम जितना स्पीड चल सकते थे उतना स्पीड चल के हम दूसरे स्टॉप चले गए. मतलब वो आदमी मतलब चलने में थोड़ा स्लो था, मतलब कि समझो हम कितना स्पीड चल. अच्छे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन बस वही कि एक दो कहीं ना कहीं कोई ना कोई निकल ही आते हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी किन्हीं तीन ऐसे चीज़ों के नाम बताओ जो आप पहले कभी नहीं, मतलब इंडिया में नहीं देखे थे, यहाँ आके एक्सपीरियंस किया. सादरी में बोलना है तो सबसे पहले आहे पानी, पानी मशीन टोकर में क्यों दबाए के पानी निकलेला, क्यों दबाए के पानी निकलेला. और फिर मतलब कि गर्म पानी, ठंडा पानी, मीडियम एकदम 100 डिग्री सेल्सियस वैसा सिस्टम. और दूसरा चीज आहे लाइट, चल तो चल और लाइट यूं चल जाए और थोड़ी देर बाद ऑफ वैसा है. कन्वीनियंट स्टोर बोलते हैं, मतलब कि दुकान है और वो खुला रहेला सुबह 7 से 11 बजे तक. ओके सो वन मोमेंट यहाँ पे जो आपके लिए बहुत एम्बैरेसिंग था. एम्बैरेसिंग क्या हुआ? हाँ, एम्बैरेसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, योर व्यूज ऑन ताइवानीज पीपल. ताइवानीज पीपल यहाँ का लोग बहुत 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 ही अच्छे हैं, क्योंकि मतलब कि चाहे वो दोस्त हो चाहे वो इंसान हो, जितना भी अभी हम मिले हैं सब बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल है. जब भी हमको कुछ ज़रूरत है, हम जब भी पूछे हमको बहुत सारा मदद मिला है, मेंटली भी और जैसे भी मांगे हैं. बहुत अच्छे लोग हैं. Your views on Taiwanese boy Sadri में. हे भगवान, यहाँ का छोड़ा मैंने पापा. मतलब छोड़ा मैंने एकदम हैंडसम हैंडसम आ है, एकदम गोरा उरा पूरा एकदम टच मस्त एकदम पूरा एकदम का बोले कोई कोई तो मुर्ख के हैंडसम, लेकिन का बता आप. मतलब उमन सिंगल है ना यहाँ है पापा. तो हाँ, मैंने कर तो सोचा थोड़े, मतलब कि जेके पसंद करो ना तो जेके पसंद करो ना उकर तो मतलब कि पहले से एकदम सेटिंग आ है बाबा, तो का करे उकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू हैव क्रश ऑन एनी ताइवानीज और एनी अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? यस, आई हैव क्रश ऑन वन बॉय. हैव और हैड? आई हैव टिल नाउ. अच्छा, मतलब कि हाँ है, लेकिन गर्लफ्रेंड है, छोड़ दो, नहीं बोलना है कुछ उसके बारे में.
अच्छा ठीक है, चलो हम लोग अंत नहीं मतलब है नहीं, नहीं कोई नहीं है अभी, था वो पास पास में छोड़ देते हैं। ओके मतलब अंत पहुंच रहे अंत। ओके इंडिया वापस जाने के बाद आप क्या रिग्रेट करोगे कि आप क्या नहीं कर पाए इन चार सालों में, मतलब क्या नहीं कर पाए? योर इनकम्प्लीट बकेट लिस्ट। मेरा इनकम्प्लीट यही कि चाइनीज पूरा सीख नहीं पाए, और फिर ये तो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज यही है मेरे लिए। नहीं सीख सकता कोई इंसान, कैसे नहीं सीख सकता है, कम इतना कम समय में नहीं सीख सकता है। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी अरे यार इतना अच्छा बोलती है ना, मतलब डू नॉट रिग्रेट दैट, आप बहुत बहुत सीख चुके हैं। और सेकेंडली कि हम पूरा ताइवान घूम नहीं पाए, वो सारा जगह घूमना है ताइवान से, पूरा दांची ही नहीं घूमे ताइवान घूमने वाले, लेकिन फिर भी हमको ताइवान मतलब पूरा नहीं घूम पाए। ये कोई बात नहीं, आ जाना, ये रिग्रेशन होगा, आ जाना फिर। अच्छा दिस इज मतलब द क्वेश्चन जो बहुत कोई मेरे को पूछते हैं कि बिल्मा जी कब वापस आ रही है। हम ये चीज तो हमको नहीं पता, मतलब okay. कि हम जाएंगे, मेरा प्लान है, ये सरप्राइज है, हम नहीं बताते हैं ये सब बस। व्हाट एडवाइस फॉर मी फॉर यू? ओके सो द एडवाइस फॉर यू इज वर्क हार्ड, आई नो यू आर हार्ड वर्किंग बट स्टिल आई एम सेइंग दिस, एंड देन सिंस यू आर इन ताइवान व्हाट आई वांट टू से टू यू इज दैट आई हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी गुड्स एंड बैड्स एंड सो विल यू, बट have the courage you will go till the end as I did. Yeah. I mean 4 saal matlab aur 2 saal hai na beet jayega jaise waise hi. I know I'm cool, nahi kabhi kabhi cool nahi rehti, aa kabhi kabhi I know I become so hot sometimes you are hona padta hai. Okay let me ask you some question. Okay so what was your first impression when you saw me last time? Before coming here, last time I saw her in my college while giving that Thanksgiving speech ki I'm going to Taiwan and blah and blah, okay? Okay? And the day we came here, she was sitting in her room working on a laptop. We entered and is this the same person? Kyu? Itni gori kaise ho gayi? Itni gori kaise ho gayi? Okay. Haan, toh bas yahi tha. Bas. शॉपिंग के लिए मतलब कुछ कुछ खरीदना था ऑब्वियसली, रूम के लिए मैट्रेस एंड ऑल दैट। तो फर्स्ट डे शी वाज अ गाइड, मतलब यहाँ से लेना है वहां से लेना है सामान ढोना है ऑल दैट, शी वाज वेरी गुड एंड देन मतलब अभी तक है शी इज एंड देन वेरी हेल्पफुल। फिर जितना भी मतलब इनिशियल डेज में जितना भी हम लोगों को ऑफिस वर्क करना था पेपर वर्क करना था तो शी वाज एवरी टाइम देयर अवेलेबल, और अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक, दिस वाज द क्वेश्चन सेशन फॉर यू। अरे चलो आपको पूछना है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थिंग व्हिच यू डू नॉट लाइक अबाउट मी, व्हाट डू यू नॉट लाइक अबाउट मी? कभी कभी चुपचाप हो जाती है एकदम, भूत बन जाती है, मतलब कुछ भी पूछो मतलब कभी कभी हो जाता है, मेरे से ऐसा होता है कि sometimes I sometimes go silent all the time एकदम, मतलब another zone मतलब। Okay guys सारे questions थे जो मेरे तरफ से थे इनके लिए, अगर you guys have any questions for her then comment down or DM her in Instagram. No guys you can ask the questions in her comment section. So that's it for this video guys. If you like this video then do hit the like button, comment, share and then subscribe my channel. Thank you. Thanks for willingly answering all the questions. Yeah. And I'll see you in the next video. Until then, stay safe, stay healthy. Bye bye.